गाय का मतलब है सीधी। हमारे कृष्ण प्रेम संस्थान के प्रकल्प भागवत गौसेवा धाम में बहुत गाय रहती है और गौ सेवा होती है। भागवत गौसेवा धाम उसमें एक श्यामा गाय थी, बहुत दिन हो गए। इतनी सीधी थी श्यामा गाय कि हमारे घर के बाल गोपाल इवन इंद्रेश उपाध्याय भी जब छोटे थे तो उस गाय के स्तन में मुंह लगाकर बछड़े की तरह पी लेते थे। बोलो जय श्री कृष्ण। और वो ऐसे बच्चे दूध पिए वो ऐसे देखती रहती, कुछ बोलती नहीं श्यामा गाय। अब तो गौलोक धाम चली गई। तो गाय का मतलब है सीधी और कपिला है न संगी। नंद बाबा ने कपिला गाय दान करी और है न संगी है माने सोना, सोना उनके सीन में मड़मड़ करके बाबा ने दी। 2 लाख गाय, हजारों आ रहे हजारों जा रहे, महात्मा आनंद सबको दान दे रहे। नंदो महामहासोलंकार बोधनम सूत महागतमंदिव्यो नित्योप जीवन, इतना दान किया। लेकिन 6 दिन जब हो गए तो नंद बाबा बोले ब्रजवासियों से, आप लोग भैया नाना को जन्मोत्सव मना, हम तो कंस को वार्षिक कर देने के लिए मथुरा जा रहे हैं। क्योंकि वसुदेव जी जो है वो नंद जी के कजन होते हैं, दोनों के बाबा एक ही थे। अब नंद महाराज मथुरा में आए हैं टैक्स देने के लिए। टैक्स देने से राष्ट्र समृद्ध होता है, तो पूरे ब्रजवासियों की तरफ से वो वार्षिक कर यानी टैक्स देने के लिए मथुरा गए। और टैक्स देकर के जब लौटे तो वसुदेव जी से मिलने गए। आजकल वो पैरों पर छूटे हैं जेल से। बोलो जय श्री कृष्ण। वसुदेव जी ने दौड़ करके नंद जी को गले से लगाया। वसुदेव जी मुस्कुराकर बोले, आपके घर नाना के जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई, आपके घर बेटा हुआ है इसकी बहुत बहुत बधाई। वसुदेव जी हंसकर बधाई दे रहे और नंद जी रोकर गले लगा रहे। नंद बाबा रो पड़े, बोले रोते क्यों आप? क्या होते देव की पुत्रा कंसेन बहगो हता, एका वशिष्ठा वर्या कन्या सा विभंगता। भैया हमने सुना कि आपके घर में देवकी के गर्भ से जितने बच्चों ने जन्म लिया वो सब दुष्ट कंस ने मार दिए। वसुदेव बोले हाँ। और मैंने सुना कि लास्ट में एक बेटी हुई वो भी आकाश में उड़ गई। बड़ा दुख हुआ सुनकर वसुदेव। भैया हम तुम्हारे साथ ही हैं, दुख मत मानना। वसुदेव जी अब ये तो कह नहीं सकते कि तुम्हारे घर जो बेटा है वो मेरा ही है, मैं घर के आया। वसुदेव बोले देखो मन को छोटा क्यों करे, कोई फायदा तो होने वाला है नहीं। मेरी पत्नी रोहिणी आपके यहाँ पर है तो उसका जो बेटा है, एक बेटा तो मेरा आपके घर में है, बलराम का इशारा कर रहे। अब रही दूसरे सामने सलोने पुत्र की बात, तो मन क्यों छोटा करे, हम तो उसको भी अपना ही मान लेंगे। नंद जी बोले मन को छोटा मत करना, छोटा वाला भी तुम्हारा ही है। बोलो जय श्री कृष्ण। अरे हम तुमको ही अलग हैं क्या, हमारा बेटा तो, क्योंकि अब नंद जी ने तो कहा सहिष्णुता में और बात क्लियर हो रही। करो वही वार्षिक हो दत्तो राग्यो दृष्टा वयं च नेयथेयं बहुतिथं संकृपातास्य गोकुले। आपने कंस को वार्षिक कर दे दिया। बोले हाँ तो आप जाओ, अब आपको गोकुल चले जाना चाहिए, कहीं कोई उत्पात खड़ा न हो जाए। ये वार्ताएं आपस में चल रही थी महाराज, उन्होंने एक बात कही क्योंकि कंस के यहां कुछ मीटिंग चल रही है। जब वो आप सुन रहे थे कब देवी आकाश में चली गई, अष्टभुजी बन गई, उसने बोल दिया तुम्हारा शत्रु तो ब्रज में कहीं जन्म ले चुका। तो कंस ने रात के 2:30 बजे आपातकालीन मीटिंग बुलाई, सब सैनिक मंत्री महामंत्री उपमंत्री दल सब लोग आए।
महाराज जी आप कुछ टेंशन में लगते हैं, क्या बात है? कंस बोला, आप लोगों ने देखा वो आकाश में चली गई देवी आठ भुजा वाली, और उसने बोला कि मेरा शत्रु मेरा काल कृष्ण ब्रज में कहीं जन्म ले चुका, अरे भाई को बड़ा होकर के मुझे मारे, उसके पहले ही उसको खत्म करना है ना, इसलिए आप लोग कुछ बताओ कैसे मारोगे। एक सैनिक खड़ा होकर के बोला, मेरा सुझाव सुनिए, कृष्ण का मतलब है विष्णु, और उस आकाशवाणी में देवी ने कोई पर्टिकुलर जगह तो बताई, कोई एड्रेस तो बताया नहीं, कौन से घर में जन्म लिया, तो हम विष्णु को ढूंढेंगे कहां? एक सैनिक बोला, मैं बता सकता हूं, विष्णु वही होता है जहां सनातन धर्म है, यत्र धर्म सनातन, और सनातन धर्म वही है जहां गौ ब्राह्मण संत सेवा होती है, वही सनातन। तो विष्णु को हम लोग ढूंढेंगे कहां? इसलिए मेरा सुझाव यह है, आज से ब्राह्मणों को तकलीफ देना शुरू कर दें, जितने महात्मा जितने संत हैं सबको पकड़ पकड़ के जमुना जी में फेंके, या उनकी झोपड़ी में उनके आश्रम कुटिया में आग लगा दें, और जितने पंडित जी हैं सबके यज्ञ में विघ्न करें, पंडित जी को भी मारे, क्योंकि विष्णु सब कुछ बर्दाश्त करता है, ब्राह्मण संतों की तकलीफ बर्दाश्त नहीं करता। जहां भी विष्णु छुपा होगा इनको बचाने के लिए आएगा, और आएगा तो हम उसको मार देंगे, बात करा। कंस ने कहा चुप, खबरदार तो ऐसी बात बोली, अरे तुम नहीं जानते अभी। कंस ने डांटा, चुप किया अपने सैनिकों को, देखो संत और ब्राह्मण ये समाज का दर्पण है, सर्व प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते, ये ब्राह्मण संत समाज को दिशा देते हैं, समाज को मार्ग बताते हैं, और वो गुरु माने जाते हैं, ब्राह्मणों नितराम गुरु, ठीक है हम नहीं मानते पर समाज को दिखाने के लिए तो प्रणाम करना ही पड़ता है। ब्राह्मण संतों को तुम लोगों ने तकलीफ दी ना, ये तख्त पलटते देरी नहीं लगेगी, समाज हमारे विरोध में आ जाएगा, और कोई उपाय बताओ। एक सैनिक बड़ा संभल कर खड़ा हुआ, अब देखिए मेरा उपाय आप सुने तो मैं बताऊं, 84 कोस के ब्रजमंडल में कृष्ण ने जन्म लिया है, ये आकाशवाणी है बोला कि 84 कोस के ब्रजमंडल में कृष्ण जन्म ले चुके हैं, ठीक है बोले हाँ। अब हम लोग क्या करते हैं, वेश बदल बदल करके ब्रज में जाएंगे, 84 कोस के ब्रजमंडल में जितने गांव हैं सबको चिन्हित कर देंगे, और एक एक घर में खोजेंगे, एक महीने के भीतर जितने बच्चों ने जन्म लिया है सबको मार देंगे, और एक महीने में जो बालक जन्म लेने वाले हैं उनको भी मार देंगे, उसी में आपका शत्रु कृष्ण भी मर जाएगा। कंस ने कहा, यह सुझाव तुम्हारा मेरे को जचता है, कुछ ठीक लग रहा है, पर तुम्हें घर में घुसने कौन देगा? तो वहां बगल में खड़ी थी पूतना मौसी, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, बहुत खतरनाक है पूतना, साउथ अफ्रीका से आई थी, 10,000 हाथी का इसमें ताकत है, एकदम काली काली भयंकर पूछो भा। उसने कहा, यह सेवा मुझको दे दो, आपके काल कृष्ण को मारने में जाऊंगी, वेश बदल के जाऊंगी। कंस ने कहा, बहन जी कौन घुसने देगा आपको घर में, है 35-40 फीट तो आप लंबी हैं, हाथी जैसे आपके पैर हैं, 5-5 किलो के आपके होंठ हैं, और कान तो आपके इतने बड़े हैं कि इसमें बच्चे पूरी क्रिकेट खेलने अंदर जाके, 10,000 हाथी का आप में बल है, और तवे जैसा काला काला चेहरा, कौन घुसने देगा घर में? उतने बोली, चेहरा काला है तो क्या हुआ, मैं ऊपर से परस्तर लगा के चली जाऊंगी, एकदम डेंट पेंट होकर के जाऊंगी, ठीक आप गौला होगा। अरे देवी कितना, कई लोग जो है ना, कई लोग जो गोरे होते हैं वो छाती तान के चलते हैं, हम गोरे हैं, और कई लोग थोड़े सांवले होते हैं वो दिन भर प्लास्टर रगड़ते रहते हैं, हम भी गोले हो जाए, काला तो काला ही होता है।
उतना बड़ी राक्षसों की माया आती मेरे को, वेश बदलना आता है, मैं देवी बन जाऊं, पशु बन जाऊं, पक्षी बन जाऊं, सब माया की ट्रेनिंग ली है मैंने साउथ अफ्रीका के जंगलों में। बोलो जय श्री कृष्ण। अच्छा तो फिर मारो भी कैसे कृष्ण को? आपको लगता है कि मेरे को लोग पहचान लेंगे तो मैं घूंघट लगा के नहीं जा सकती हूं? बोलो जय श्री कृष्ण। घूंघट में बड़े बड़े काम बन जाते हैं हमारे भारत में तो हो, पूछो मत। हाँ कई बार तो हमारी बहनों को माताओं को कथा में नींद आती है ना, सो घूंघट लगा देती है, न व्यास जी को पता चले न पड़ोसी को पता चले, इधर कथा शुरू उधर समाधि शुरू, चार पांच घंटे की समाधि, घर में बच्चे सोने नहीं देते, आराम से अपना पहले आकर बैठेंगे, खम्मा उम्मा पीछे हो उसका सर लगा के और ऐसे घूंघट दिया समाधि चार घंटे की। अच्छा हमको काफी ऊंचे बैठते हैं तो हमको दिख जाता है सब। कई बार कथाओं में कोई बहन सोती है और दूसरी बहन कोहनी मारती है तो वो कह देती है हम सो थोड़ी रहे, ध्यान से सुन रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। पर उतना तो माया भी नहीं है, सारी माया इसको मालूम है। बोली अपने स्तनों में जहर लगा के जाऊंगी, स्तनों में विष लगा करके जाऊंगी और जहां कृष्ण ने जन्म दिया है वेश बदल के पहुंच जाऊंगी, गोदी में लेकर अपना विष वाला स्तन उसके मुंह में दे दूंगी, एक बार पीते ही मर जाएगा, आकाश में उड़ जाऊंगी, मेरे को कोई पकड़ सकता नहीं। बोलिए विचार ठीक है बहन जी, आपको बहुत बहुत प्रणाम। कंसेन प्रहिता घोरा उतना बल घाती शिशुंस कारण घंती और ग्राम प्रजा दिशु। और वेश बदल करके पूतना महाराज गोकुल में पहुंच गई। वसुदेव जी को यह मालूम है इसलिए नंद से बोले जल्दी जाओ, और यहां हजारों लोगों की भीड़, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया, बाकी दीने घोड़ा दीने और दीनी, सब लोग नाच रहे गा रहे हंस रहे खेल रहे और महाराज उड़क गुलाल लाल भय बादल फेंक भर भर जोड़ी। इतने बड़े बड़े कुंड बना रखे, कुंड समझते क्या पता यहां के भूल गए हो? बोलो जय श्री कृष्ण। छोटे छोटे तालाब उसको कुंड बोलते हैं और उस तालाब में भर दिया सबने दही और दही में कई बोरा डाल दी हल्दी और उसमें थोड़ा डाल दिया सुगंधित तेल। हरिद्रा चूर्ण तैलाग भी हल्दी का चूर्ण दही और तेल। अब जो आपने सफेद पेन पहनकर आ रहे कथा में, क्योंकि नंदो समय तो सब पीले पहन कर गए थे और कोई गलती से सफेद पहनकर आया तो दो पकड़ते उसके हाथ और दो पकड़ते पैर ऐसे हिला करके कुंड में डाल दिए, जब डाला तो व्हाइट था निकला तो येलो हो गया। बोलो जय श्री कृष्ण। ये हल्ला हो रहा है पूरे ब्रज में, आनंद से गा रहे नाच रहे, उसी भीड़ में पूतना पहुंच गई। प्रेम से बोलो ना जय श्री कृष्ण। जो आनंद सिंधु सुख राशि शिखर ते त्रैलोक सुपासी सो सुख धाम राम सनावा अखिल लोक दायक विश्रामा। राम कृष्ण आनंद का सिंधु है, राम कृष्ण सुख की राशि है, उसका नाम स्मरण करने मात्र से उसके आनंद की सिंधु के बिंदु से विश्व प्रपंच आनंदित हो जाता है, ऐसा है भगवान की महिमा। और यहां तो आनंद बरस रहा है, पूरे ब्रज में आनंद की रसधारा बह रही। अब देखो 10-5 हजार लोगों की भीड़ में कोई जूता चोर आ जाए तो पता चलता है क्या? हाँ दिल्ली में हम लोग की कभी कभी कथा होती है लाल किला मैदान में, रामलीला ग्राउंड में, शालीमार बाग में, तो कृष्ण जन्म वाले दिन अनाउंस होता है, देखो
20 माताओं की गले की चैन टूट गई है, जिसको मिली हो प्लीज स्टेज पर आके दे दे। कोई देता है क्या? 200 जोड़ी जूता कोई ले गया है जो गलती से पहन गए हो, कल पहन के आ जाना, यही उतार जाना। ऐसे ऐसे अनाउंस होते हैं कि माता बहने तो नंदोत्सव में नृत्य करती हैं, और उनकी बगल में तो दूसरी माता जी बैठी हैं, क्या पता वो पूतना की बहन जी हो। अब हाँ नृत्य कर रहे हैं, वो जल्दी लेके चौपट हो गई, भीड़ में पता चलता है क्या? इन देशों में कथा करने में बड़ा आनंद आता है उनको। हाँ प्रेम से आते हैं तो वेलकम, और नहीं आते हैं तो भीड़ कम, बोलो जय श्री कृष्ण। एक संत मेरे को बोलते थे, वो इधर विदेश में रहते जाते, वो बोले भैया कनाडा अमेरिका आदि यूरोप आदि में यदि 500 आदमी कथा सुनने आ जाए तो समझो 500,000 हैं, और वो 2 घंटा सुनने तो समझो 20 घंटा सुन ले, कहां समय मिलता है। इतना हार्ड वर्क करते हैं बेचारे, इतना इतना परिश्रम करते हैं। देखो सुबह 7 बजे से भागना शुरू होता है, ऑफिस जा रहे हैं, श्रद्धा देखो उनकी। वाशिंगटन डीसी में एक माँ कथा सुनने आती थी मेरी, बड़े भाव से सुनती कथा, हिंदू टेंपल में कथा चल रही थी, कई वर्ष पुरानी बात है। एक दिन बोली ठाकुर जी हमारे घर आप पधारो, गुजराती नहीं आती तो पधरावनी करते हैं घर पे, लोग बुलाते हैं, कई लोग कहते हैं श्रद्धा से कुछ हमारे घर खा लीजिए। बोले आपके चरण हमारे घर पधार जाए महाराज, मैं इनके चरण फरण तो है नहीं, यहाँ तो खुराक बिंद है, बोलो जय श्री कृष्ण, आ जाएंगे माता। तो मैया बोली मेरी बेटी की बेटी आपको लेने आएगी ठाकुर जी, मेरी जो बेटी की बेटी है वो आपको लेने को आएगी। अब दूसरे दिन एक बच्ची मुझे लेने आ गई, 32-33 वर्ष की वो बालिका, ठाकुर जी घर चलिए, सब लोग इंतजार में है, तो कथा से उठकर चल दिए। मैंने पूछा क्या कर दिए तुम रास्ते में? बोली मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, अमेरिका में बॉर्न हूं, पर हिंदी बहुत अच्छी बोल लेती हूं, नानी की कृपा है। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, कितने बजे जाती हो ऑफिस में? पूरे 7 बजे निकल जाती, 7:15 निकलती हूँ, 7 बजे मुझे ऑफिस में पहुंचना पड़ता है और मैं निकल ही जाती हूँ महाराज। अच्छा मैंने कहा तो तुम सोकर कितने बजे उठती हो? बोले 7:15। और उनका ऑफिस कितने बजे पहुंचना है? बोले 7 बजे। अरे तुम इनका ये नहाना धोना ये सब कब करती हो? बोले वो नहाके ही सोती हूँ मैं रात को, बोलो जैसे कितना टाइम का? रात को 11 बजे एकदम शावर में नहा धो करके फिर सोती हूँ, सवेरे समय नहीं मिलती। और मैंने कहा फिर ब्रेकफास्ट नाश्ता? बोले वो तो गाड़ी नहीं करती, देखिए गाड़ी में यहाँ तो रखी रहती है मेरी चाय, इधर रहते हैं ब्रेड, ऐसे इंजन घुमाती रहती हूँ स्टेरे, ब्रेड लिया फिर चाय का घूम फिर ब्रेड फिर चक्र, आगे भी देखती हूँ मुझे पहुंचना 7 बजे पहुंचना। अरे मैंने कहा तुम तो धन्य हो देवी, कितनी व्यस्तता आप विचार करो, भाई टीवी भी देखना है, इंटरनेट भी सब काम व्यवस्थित करना है, कंप्यूटर पर भी काम करना है, और 7 बजे पहुंचना भी। मैंने कहा फिर तो नींद ही पूरी नहीं होती, पर सैटरडे संडे सो रहे तो करना क्या, बोलो जैसे। तो इतनी व्यस्तता में आप 2 घंटे कथा सुनने आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए हम लोग भी मेन मेन पॉइंट सुना करके शॉर्ट में कर देते काम, कि आप जितना सुन रहे उतना बहुत है, भीड़ में पता चलती क्या? पूछ रहा हूं सच करके महाराज, ब्रजवासी गा रहे नाच रहे, और सबने पूतना को देखा और पूतना को देखकर के सामने बोल दिया
भैया जी कौन है? एक बोला तो ना मालूम, यशोदा मैया की बचपन की सहेली होगी, उसको रास्ता दे दिया, किसी ने रोका ही नहीं। प्रणव के पास आई, नंद जी से प्रणाम नमस्कार हुआ। मैया बोली, अच्छा अच्छा आप भी आशीर्वाद देने आई हैं? हाँ हाँ, तो मेरे नाना सोए, आप आशीर्वाद दे दो, मेरे घर अतिथि आए हैं, थोड़ा सत्कार कर लो। मैया चली गई सत्कार करने अतिथियों का। ऐसे अपरिचित की गोद में नन्हे बच्चे को नहीं देते। पन्ना के पास उतना गई और चेहरे पर जो उसने कपड़ा डाल रखा था ना, उस कपड़े को हटाकर 7 दिन के कृष्ण को उसने देखा। आज कृष्ण की उम्र है ओनली 7 डेज, केवल 7 दिन के ही कृष्ण। भगवान ने पन्ना में से पूतना को देखा और देखते भगवान ने आंख बंद कर, सामीक्षण आंख बंद कर दी। राजा परीक्षित ने पूछा, हाँ आंख बंद क्यों की भगवान ने, डरे क्या? सहदेव जी बोले, डरे नहीं मेरे गोपाल। गोपाल जी ने आंखें बंद इसलिए की, उन्होंने सोचा होगा 24 अवतारों में मेरे 2 ही अवतार सबसे श्रेष्ठ हैं, रामावतार और कृष्णावतार, इन दोनों ही अवतारों में पहले अम्मा जी से पाला पड़ा। बताओ राम जी ने सबसे पहले किसको मारा? तालिका को, और कन्हैया ने सबसे पहले पुत्रा को। भगवान बोले, 2 ही अवतार दिया ठीक था, कि दोनों में ही अम्मा जी आ गए राक्षसी। इस ग्लानी की वजह से भी भगवान ने आंखें बंद की होंगी, या तो फिर दूसरा कारण यह भी हो सकता है, भगवान ने सोचा होगा, अरे हम कृष्ण बन के आए हैं माखन मिश्री खाने के लिए, माखन मिश्री तो अभी हमारे मुंह में गया नहीं, ये पूतना मौसी जहर देने पहले ही आ गई। 7 दिन का बच्चा मक्खन खाता है क्या? 7 दिन का बच्चा मिश्री खाते देखा आपने? तो माखन मिश्री तो मुंह में गया नहीं है, जहर मुझे पिलाई है, इस समय में जहर लगा के आई। इसलिए भगवान ने आंख बंद करके शंकर जी का ध्यान किया होगा, नीलकंठ बाबा का। बोले नीलकंठ महादेव की, और आंख बंद करके कहा होगा, बाबा समुद्र में से जितना विष निकला था पूरे विष को आप पी गए थे। तक कर तरी कृत्यम व्यापी हालाहलं विषम अवक्षयन् महादेव कृपया भूत भावन। करोड़ों टन जहर समुद्र में से निकला, शिवजी अंजलि में लेके पूरा पी गए। भगवान ने आंख बंद करके भगवान शिवजी से इंटरनेट पर कांटेक्ट किया होगा, बोलो जय श्री कृष्ण, और कहा होगा, बाबा आप मेरे दिल में आकर के बैठ जाओ, पूतना मुझे गोद में लेकर के जहर मेरे मुंह में देगी, स्तन पिलाएगी जहर वाला, तो आप मेरे दिल में आके बैठ जाओ बाबा, इनका दूध दूध मैं पी जाऊंगा और जहर जहर आप पी जाना, बोलो जय श्री कृष्ण। आपको बड़ा अभ्यास है, या तो भगवान ने आंख बंद नहीं करी, सूर्य चंद्र ने अपने आप को ढक लिया। हाँ, भगवान की आंख में सूर्य और चंद्र दोनों रहते हैं, दाहिनी आंख में सूर्य है और बाईं आंख में चंद्रमा है, तो सूर्य और चंद्र दोनों ने मन में सोचा होगा, ये कैसी दुष्टा राक्षसी है, पर मेरे गोपाल सबके प्रिय हैं, सब कन्हैया से प्यार कर रहे हैं, और ये भगवान को जहर देने आई है, ऐसी राक्षसी को हम देखना नहीं चाहते। तो सूर्य और चंद्र दोनों ने अपने आप को ढक लिया। 108 कारण बताए हैं संतों ने, भगवान ने आंख बंद क्यों करी। एक कारण ये भी बताते हैं कि शिशुन सखान निघ्नन्ति पुर ग्राम प्रजादिषु, भगवान को मारने के लोभ में ये कितने बच्चों को मार चुकी है। इस घर में कृष्ण जन्मा होगा, इस घर में जन्मा होगा, बच्चों को मार देती थी भाग्या। तो भगवान ने आंख बंद करके उन समस्त बच्चों को, यानी जीवात्माओं को याद किया।
कि आज उन समस्त जीवात्माओं को मुझे मोक्ष देना है, इसलिए आंख बंद करी। गोविंद को उसने गोद में ले लिया। कि कस्मिन स्थानम दुर्जरविन्द्रमन्वन घोरं कमादाय शिशो ददावथ गाढं कराभ्यां भगवान् प्रविद्यत प्राणैस्समं रोवासि समन्वितोऽपिह। पुत्र ने तुरंत कृष्ण को गोद में लिया और अपने जहर वाला स्तन उनके मुंह में दे दिया। अब 7 दिन का बच्चा, भगवान ने दोनों हाथों से पकड़ लिया, स्तन को पकड़ लिया और गटकई गटक गटकई गटक गटकई गटक दूध पी है। सुना बोली माता क्यों नहीं है, मैं तो अच्छे से जहर लगा के आई थी। 7 दिन का बच्चा देखो कैसे पैर पटक पटक के दूध पी रहा है। 5 मिनट हुए, 10 मिनट हुए, 15 मिनट हुए, पहले तो भगवान ने दूध पिया और प्राण ही समन रोष समन देतो पिवा। फिर कन्हैया ने उसके प्राणों को खींचा और जब प्राण खींचने लगे तो पुतना बोली मेरे को कुछ अजीब सा क्यों लग रहा है, घबराहट सी क्यों हो रही है, अरे क्या हो रहा है मुझे। फिर उसको लगा ऑक्सीजन में प्रॉब्लम आ रही है, अब सांस नहीं लिए जा रहे मुझे, बेचारी घबराई पुतना। अब कहते छोड़ छोड़ तो भगवान छोड़ते ही, कसके पकड़ रखा। किसानुं चमुचारयति प्रभासिनी निष्पीड्य मनोरखिन जीवोर्मणि। अरे बच्चा छोड़, अरे बच्चा छोड़, अरे बच्चे छोड़, चिल्लाई जोर से। तो 7 दिन के कन्हैया ने ऊपर की ओर देखा पूतना के मुंह की ओर और बोले मौसी जी हमको पकड़ना ही आता है, छोड़ना आता ही नहीं। बोलो जैसे एक बार कृष्ण किसी को पकड़ ले फिर छोड़ता नहीं है, और अब तो आप ठिकाने लगा के छोड़ेंगे, ऐसे थोड़ी ना छोड़ेंगे। उतना वक्त बोल रहा है ये बच्चे, ये बड़ों की तरह बोल रहा है, ये 7 दिन का बच्चा बोल रहा है। उतना विकराल रूप लेकर के राक्षसी बन गई। ये राक्षस लोग कितना भी अच्छा रूप धारण कर ले मरते समय असली रूप में आ जाते हैं, मरते समय उनका रूप प्रकट हो जाता है। अब वो सुनाती है अरे छोड़, अरे छोड़, अरे छोड़, अरे धड़ाम से गली पर। भगवान को कोई टेंशन नहीं है, उसकी छाती पर पड़े पड़े दूध पीना चालू ही है इनका। तो बोलो जय श्री कृष्ण। त्रिगत्युंतरद्रुमान चूर्णयामासराजिन्द्रमहदासीनमभ्युदम्। पूछना जब जमीन पर गिरी तो 18 किलोमीटर का लंबा उसका शरीर हो गया। भागवत में लिखा है पतमानो भी तक देह त्रिगव्युत के अंतर द्रुमान। लिखा है 3 गव्युति के बीच में जितने बाग बगीचा थे उतना के शरीर के नीचे आकर चूने आवास चूर्ण बन गए। अब 3 गव्युति, 1 गव्युति कहते हैं 2 कोस को, 2 कोस को बोलते हैं 1 गव्युति। तो 3 गव्युति माने 6 कोस, 6 कोस माने 12 माइल और 12 माइल माने 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर का लंबा शरीर हो गया। और हमारे ब्रजवासियों की तो पूछो मत, वो कहते हैं गोकुल में पूतना जब गिरी तो उसके कान गिरे कानपुर में जाके। बोलो जैसे उसकी नाक गिरी नागपुर में जाके, पैर गिरे पैगाम में जाके, मूड गिरे मथुरा में जाके और हाथ गिरे हाथरस में जाके। बोलो जय श्री कृष्ण। इन शहरों के नाम सुने, कितनी लंबी बन गई, पर 18 किलोमीटर की बात तो लिखी है। कितनी जोर की आवाज हुई जैसे कोई बम फटता है। हरे ब्रजवासी दौड़े, मैया यशोदा दौड़ी, विशाल पड़ी है पूतना। मैया बोली इसकी तो हम कथा सुनते थे, मतलब पूतना ऐसे लेटी पड़ी है लोग उसको ऐसे देख रहे, इतनी ऊंची तो उसकी बॉडी है। बोलो जय श्री कृष्ण। अब एक ने देखा अरे अरे इसके इसके बच्चे स्तर पर तो कन्हैया पड़ा है, वो तो दूध ही पी रहा है। अब बेचारे ब्रजवासियों ने क्या किया, नशेनी लगाकर चढ़े पूतना के ऊपर और दौड़कर कृष्ण को लिया।
और कई तो यहां चढ़ते हैं जैसे से, अब यहां से यहां कैसे उतरे इसमें डिस्टेंस बहुत है, काफी बहुत बड़ी है वो, तो यहां से फिसलते फिसलते यहां आए, यहां से फिर यहां आए और यहां आकर के लावा को उठाया, अब उठाकर नीचे कैसे उतरे, फिर नशे भी तो इधर रह गए। बोलो जय श्री कृष्ण। बोलो भैया हम छाव लगाएंगे गोविंद को लेकर, वो धाम से कूदा नीचे। मैया ने दौड़कर गोपाल को गोद में लिया, हे नारायण भगवान, हे लक्ष्मी माता, हे वरन बली, हे भोलेनाथ, आपने रक्षा करी, हमारा नाला बचा लिया। अब माताओं की मीटिंग, इनका पुराण होता है वैसे, माताओं का पुराण, उसको बोलते बात्सल्य पुराण, या बोलते मातृ पुराण, या बोलते बुढ़िया पुराण। बोलो जय श्री कृष्ण। और आप सत्य समझना, इनके मंत्र होते हैं। हमारे भारत में कई जगह बुजुर्ग जो माताएं होती हैं, नई बहुएं उनके ऐसे 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 चरण नहीं छूती, वो पैर से लेके घुटनों तक ऐसे ऐसे दबाती हैं कई बार खड़े खड़े, और जिनके दबा रही हैं प्रणाम करने के लिए, उनके फिर ओठ चलते हैं। अब ओठों में वो क्या बोल रही है, या तो भगवान जाने या वो जाने से ऐसा आशीर्वाद देती है। फिर समय बदल के आजकल तो बोलते जीते रहो, प्रणाम किया बोल जीती रहो। अरे ये तो आप नहीं कहोगे तो भी जिएंगे, हम कौन से बोल रहे यार, परसों में हो गया था। अब माताओं का जो पुराण है उसमें बात्सल्य ज्यादा होता है, बात्सल्य ऐसा बात्सल्य पूछो। बूढ़ी मैया ऐसे एक संग में खड़ी, यशोदा बोली क्या बात है, तुम्हारे लाला ने राक्षसी का स्पर्श कर दिया है, इनके शरीर की शुद्धि होनी चाहिए। क्या शुद्धि करनी आप बताओ माता, ये पुराण शुरू हो गया। आपका बच्चा दिन में 2 गिलास दूध पीता है पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा करके, और एक दिन उसने पूरे दिन में 1 ही गिलास दूध पिया, तो इनका पुराण शुरू हो जाता है। रोज 2 गिलास पीता था आज क्यों, क्या बात है, मेरा अध्याय खुलेगा पुराण का। ओहो वो सामने वाली है ना, कल मेरे बेटे को घूर घूर के देख रही थी, उसी की नजर लगी। वो लाल मिर्ची हरी मिर्ची सरसों दाना क्या क्या ऐसे बच्चे पर घुमाएगी और उसको जलती हुई आग में ऐसे फेंके, सब तो करो। इन सबसे कुछ होता है कि नहीं भगवान जाने, पर मां का आशीर्वाद मिलता है, माताओं का कृपा प्रसाद मिलता है। एक व्यक्तिगत बात बताऊं, मेरी दादी जो थी उनका नाम था मिश्री देवी, पहले ऐसे ही मीठे मीठे नाम होते थे, कल मैंने बताया थे आपको 10-5 नाम। इतनी अच्छी थी मेरी दादी, उनके पूजा घर में दुनिया के सारे भगवान, जब भी बाजार जाती एक फोटो ले आती थी सारे भगवान, और लाइन से बैठे अलमारी में उनकी पूजा थी। अच्छा मैं देखता था तो पूजा में वो भगवान को ऐसे ऐसे गीले कपड़े से पोंछ देती, स्नान हो गया फिर इतना गुड़ लेकर के वो भोग लगाती। अब भोग ऐसा नहीं कि गुड़ दोनों में रख दिया, कटोरी में रख दिया, तुलसी छोड़ते ही घंटी बज गई भोग ना, 50 भगवान है तो गुड़ के 50 टुकड़े होते और एक एक टुकड़ा फिर भगवान के नाम पर चिपका दी। यहां चिपका दी बोला, अब नाक में मुंह में जाओ भी मिल जाए वो चुपका दे, और पूजा करके जैसे वो जाए फिर चैंटियों का होता हमला, भगवान पर चैंटियों का हमला चैंटिया। एक दिन मैंने कही अम्मा, ब्रजवासा ने कहा, मैंने हम अम्मा बोलते थे, मैंने अम्मा देखी जी का की, मैंने ये कोई पूजा है, सब चैंटी 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 हो गई पूरे घर में। तो मेरे सिर में ऐसे थप्पड़ मार करके बोली, तू तो खाली लंबो है भाई, कथा कर वो ही जाने, अरे हमारे देवता ही चेंटी बनकर आए हैं भोग लगाने के लिए। कैसा भाव,
मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो ये जो बुजुर्ग होते हैं, माताएं बुजुर्ग पुरुष, ठीक है उनको बहुत शास्त्र पढ़ने का अवसर न मिला होगा, लेकिन उनकी भावना, उनके जीवन का अनुभव किसी आचार्य से कम नहीं होता। बोलो जय श्री कृष्ण। तो सब माताओं ने बुजुर्ग महिला की बात मानी, बोले गौशाला में लाला को लेके चलो और गोमूत्र से कृष्ण को नहला। तो गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोलजसर्पितम्। सब माताओं ने कृष्ण को गोमूत्र से नहलाया। गौ माता का सबसे पवित्र होता है गोमूत्र। देसी गाय, भारतीय देसी गाय, गाय उसको कहते हैं जिसका यहां ऊंचा होता है। इन देशों में जो गाय होती है वो गाय नहीं है, वो गाय की शक्ल का जीव है, उसको भी प्रणाम करो। गाय तो केवल भारतीय उपमहाद्वीप में ही होती है। भारत के जो चार पांच देश हैं भारतीय उपमहाद्वीप में, जिनका कुकुपनी बोलते हैं उसे, वो जिसका फुटबॉल जैसा होता है ऊपर, वो होती है गाय। और उस गाय का एक गिलास दूध सवेरे, एक गिलास दूध शाम को आप रोज पिए, उस व्यक्ति को कभी भी मिर्गी का रोग नहीं हो सकता, उसको कभी ब्रेन हेमरेज नहीं हो सकता, जो गौ माता देसी गाय का दूध पीता है। और जो व्यक्ति दो चम्मच सवेरे खाली पेट, दो चम्मच शाम को खाली पेट गोमूत्र का पान करते हैं देसी गाय का, उसको कभी कैंसर जैसी बीमारी नहीं हो सकती। और ये थोड़ा थोड़ा पेट निकल जाता है, ये पेट पेट कभी नहीं निकलेगा, चर्बी नहीं बढ़ेगी, अंदर से स्ट्रॉन्ग बनेंगे आप, फालतू चर्बी नहीं होगी। ये मेरे अनुभव की बात। तो उस गोमूत्र से माताओं ने नहलाया कृष्ण को, और एक मैया गोद में लेके खड़ी हो गई और दूसरी माता गाय की पूंछ से झाड़ा दे रही है। इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणनारायणो भवतु श्वेतद्वीप प्रतिष्ठितं मनोयोगेश्वरो भवतु। अब माताएं कृष्ण को ऐसे झाड़ा दे रही हैं और उनके नाम से ही झाड़ा दे रही हैं। इसको नाम है बाल रक्षा स्तोत्र। श्रीमद् भागवत के छठवें अध्याय में, दसवें स्कंध के छठवें अध्याय में ये श्लोक जो मैं बोल रहा हूं, इनका नाम है बाल रक्षा स्तोत्र। आपके बच्चे को तकलीफ हो जाए, नजर लग जाए, बच्चे कोमल होते हैं, उसको आप गोद में लेकर गौ माता के पास जाओ और गाय की पूंछ से झाड़ा देकर दो तीन श्लोक बोल दो, बच्चा ठीक हो जाएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणं नारायणो भवतु श्वेतद्वीप प्रतिष्ठितं मनोयोगेश्वरो भवतु। मेरे नाना की इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करें, प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करें, ऐसे मुंह से झाड़ा दे रही। क्रीडन्तं पाल गोविंद शयानं पाल माधव। खेलते हुए नाना की रक्षा गोविंद करें, सोते हुए कृष्ण की रक्षा माधव करें, ऐसे महाराज गोद में कृष्ण है, गाय की पूंछ से जाना लग रहा है, पर कहीं हम मन में सोच रहे हैं कलरवा हमारे नाम से हमको ज्यादा दे रहे हैं। क्योंकि भगवान का नाम भगवान से श्रेष्ठ है। राम एक ताप से तारी, राम एक ताप से Oh, boy.
पुत्रों के शरीर का सबने दाह संस्कार किया, पाठ पाठ में किया, इतनी बड़ी चिता बन रहा है। पैरों की दो चिता अलग बनी, मुंह की तीन चिता अलग बनी, सब कुछ भयंकर है। लेकिन उतना के शरीर में जैसे अग्नि लगाई परीक्षक, शरीर में से एकदम सुगंधी निकली। अरे आप क्या बोल रहे, सुगंधी कैसे निकलेगी राक्षसी कि जा सुना सुमिरत एक बार उतर नर भव सिंधु अपार। जिसका नाम सुगंध करने मात्र से व्यक्ति भवसागर से पार होता है, उसको गोद में लेकर जिसने स्तन पिला दिया हो, क्या फिर भी वो राक्षसी रह सकती है? अरे वो तो देवी बन गई, प्रत्यक्ष देवी हो गई। और परीक्षित तुम एक बात सुनोगे तो तुम्हें आश्चर्य होगा। बोले क्या? कि जो मुक्ति माता यशोदा को बाद में मिलने वाली है, वही मुक्ति गोविंद ने उतना को पहले दे दी। क्यों दी भगवान ने मुक्ति? क्यों दी उतना को? परीक्षित बोले इसलिए मुक्ति दे दी होगी कि पूतना का नाम बढ़िया होगा। बोले पूतना नाम तो बढ़िया नहीं है भैया, कि चार नाम तो बड़े बदनाम है। कोई भी हिंदू अपनी बेटी का नाम इन चार नामों में से रखता है क्या? चार बदनाम नाम कौन कौन से? पहला है सुपनखा, दूसरा है तांडका, तीसरा है मंथरा और चौथा है पूतना। बताओ कोई अपनी बेटी का नाम मंथरा रखता है? कोई तांग का नाम रखता है? कोई सुरपणखा नाम रखता है? पूतना नाम किसने रखा? ये चार नाम तो कोई अपने बच्चों के रखते ही नहीं है, तो नाम तो बढ़िया नहीं था उसका। राजा बोले तो भगवान ने मुक्ति इसलिए दे दी कि काम बढ़िया होगा। बोले लोक बालक भी दुनिया के बच्चों को मारने का काम करती थी, काम बढ़िया नहीं था। फिर भगवान ने मोक्ष क्यों दिया? बोले पंडित कुल में पैदा हुई होगी, ऊंचे खानदान में जन्मी होगी। बोले राक्षसी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं, राक्षसी थी। फिर भगवान ने मोक्ष क्यों दिया? बोले प्योर वेजिटेरियन हो, शुद्ध शाकाहारी, फल का जूस लेती है, फल के दाल खाती। बोले नहीं नहीं रुधिरासना, सुखदेव जी बोले मांस खाती थी, खून पीती थी, वो भी बच्चों का। अरे राम 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 राम। फिर भगवान ने मुक्ति क्यों दी? राजा बोले तो इसलिए दी होगी मुक्ति कि जब आई थी तो अच्छा भाव लेके आई होगी। बोले जे धान सया पी हरे, भगवान को मारने के लिए आए थे पूतना, पर हमारे घर कोई हमें मारने आए तो अच्छी भावना है क्या? राजा बोले तो फिर आप ही बताओ ना भगवान ने मुक्ति क्यों दी? बोले स्तनम दत्वा पसदगतिम, भगवान ने पूतना को मुक्ति इसलिए दी कि काम उसने वही किया जो केवल मां करती है। गला घोट के भी तो मार सकती थी और किसी तरीके से भी तो मार सकती थी, लेकिन भगवान को उसने गोद में लिया और अपना स्तन प्रभु के मुख में दिया, और मुख में स्तन देकर दूध पिलाना, ये काम तो केवल मां का होता है। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। अरे बड़ा करुणा का सागर है कृष्ण, ऐसी करुणा कहां मिलेगी आपको? क्या हो किया सरकार टूटम जिघा सया पाए तप्य साधि ले भी कदिन धातुचितां तथोन्यं कंबा दयालुं सरणं ब्रजे। इस पूतना का भाग्य देखो है, भगवान को मारने के लिए आई लेकिन मेरे गोविंद ने उसको मोक्ष दे दिया। बोले मां के रूप में आई है,
और संसार में जितने भी शब्दकोश हैं, जितने डिक्शनरी में शब्द हैं, उसमें मां से ऊंचा कोई शब्द तो है ही नहीं। सबसे श्रेष्ठ शब्द है मां। इसलिए दुनिया में किसी को भी भूल जाओ, मां को कभी नहीं भूल सकते। आपकी कृपा से ही तो हम हैं। तो भगवान ने सोचा ये काम मां करती है, इसलिए मोक्ष दे दिया। न जाने कौन सी बात उनकी उनके मन में हमारी जस जाए। भगवान तो भगवान। अब वो एक अलग बात है कि हम लोग चाहते हैं कि भगवान भी हमारे अनुसार चले। कई बार तो हम लोग यहां तक कह देते हैं ठीक है महाराज, हमारा पड़ोसी है, कभी भजन पाठ पूजन तो करता नहीं, दिन प्रतिदिन उसका पैसा बढ़ता ही जा रहा है, हर छह महीने में गाड़ी चेंज कर देता है, ऐसी उसकी स्थिति बन गई है, और हम लोग माला फेरते फेरते उंगली घिस गई, कुछ होता ही नहीं है। पत्नी बोली एक बार तो हमने माला खूंटी पटाने दी, बहुत जप लिया, कुछ होता ही नहीं, और पड़ोसी को बिना किए सब कुछ हो रहा है ना। ऐसा भाव कभी मन में आने ही मत दो कि गजब का दावा है पापियों का। तेरे ध्यान से सुनना, गजब का दावा है पापियों का, अजीब जिद पर समझ रहे हैं, उन्हीं से झगड़े पे तुल रहे हैं कि जिनसे कई लोग क्यों पल रहे हैं। भगवान से झगड़ा कर रहे हैं, यह कह रहे हैं कि श्याम सुंदर अधम उदार बने कहां से, किताब हमसे ही नाथ लेकर हम ही से फिर क्यों बदल रहे हैं। आप अधम उद्धार पतित पावन, हम पतित नहीं होते तो तुम पतित पावन बन कैसे जाते। हम पतित हैं तभी तो हम पतित पावन हो। गरीब अधमों के तुम हो स्वामी, ये बात मुद्दत से सुन रहे हैं, इसी भरोसे पे तुमसे मोहन झगड़ रहे हैं, मचल रहे हैं। ये सुनते सुनते कान पक गए हमारे। आप गरीबों के स्वामी हो, पतितों के मालिक हो, उद्धारक हो, सुनते सुनते कान पक गए। इसीलिए तो कह रहे हैं हम पतित हैं, हमारा कल्याण कब करोगे। भगवान बोले भाई वचन के तो हम बहुत पक्के हैं, ऐसी बात नहीं है। तो भगत ने कहा वचन के तो हम पक्के हैं, आप नहीं। कि हमारा प्रण है कि पाप कर ले, तुम्हारा प्रण है कि पाप हर ले, हम अपने वादे पे चल रहे हैं, तुम अपने वादे से टल रहे हो। हमारा प्रण है कि पाप करेंगे, आपका प्रण है कि पाप हरेंगे, तो हमने पाप करने में कभी कमी नहीं आने दी, पर आपने हरण करने में पीछे रह गए। बोलो जय श्री कृष्ण। तो भगवान ने कान में कहा, बोलता भी जा रहा है, झगड़ता भी जा रहा है, रोता भी जा रहा है, रो क्यों रहा है। तो भगत ने कहा नहीं है आंखों की अश्रुधारा, नहीं है आंखों की अश्रुधारा, तुम्हारी उल्फत का ये असर है, पड़े थे पापों के दिल में चाले, वो अश्रु बन कर निकल रहे हैं, पड़े थे पापों के दिल में चाले, वो बिंदु बन कर निकल रहे हैं। गजब का दावा है पापियों का, अजीब जिद पर समझ रहे हैं। ये प्रभु का वैचित्र्य है, और मैं आपको दो मिनट में इसका सारांश यदि बताऊं तो उतना है अविद्या। कृष्ण है ईश्वर, उतना है अविद्या, और अविद्या का विनाश ही उतना बल है।
एक बात और थोड़ी समझे, भगवान कृष्ण का जन्म किस दिन हुआ था? अष्टमी को, अष्टमी तिथि थी उस दिन, तो कृष्ण प्रकट हुए थे अष्टमी को, और पूतना जब कृष्ण को मारने आई थी उस दिन थी चतुर्दशी, सात दिन के कृष्ण। तो अविद्या जो होती है वो 14 जगहों पर रहती है। ये 14 जगह कौन कौन सी? 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। 5 ज्ञानेंद्रिया कौन कौन सी? हमारे शरीर में जो 5 ज्ञानेंद्रिया हैं, वो 8x8 इंची में रहती हैं। पहली ज्ञानेंद्रिय का नाम है चक्षु इंद्रिय, आंखें, ये ज्ञानेंद्रिय। दूसरी ज्ञानेंद्रिय श्रवण, कान। तीसरी ज्ञानेंद्रिय है नासिका, ज्ञानेंद्रिय। चौथी ज्ञानेंद्रिय होती है जीभ, रसना। और पांचवी ज्ञानेंद्रिय चमड़ी, इसको बोलते हैं त्वगेंद्रिय। ये 5 ज्ञानेंद्रिया हो गए ना इतने बीच में। अब 5 होती है कर्मेंद्रिय। 5 कर्मेंद्रियों में पहली इंद्रिय मुंह, जीव है रस ज्ञानेंद्रिय, और मुंह है कर्मेंद्रिय। जिस चीज से ज्ञान हो जाए, यदि जीव नहीं रहे तो तुम रसगुल्ला भी खाओगे तो मुंह मीठा नहीं हो सकता, तो जीव है ही नहीं। ये तो कर्मेंद्रिय कर्म करती है, लेकिन ज्ञान तो जीव को होता है, इसलिए मुंह है कर्मेंद्रिय। और दूसरे कर्मेंद्रिय हाथ, तीसरी कर्मेंद्रिय है पैर, और चौथी पांचवी कर्मेंद्रिय है उपस्थ इंद्रिय। ये 5 इंद्रिया है। तो 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये 14 हो गए। जीव रूपी नंद बाबा जब वासना रूपी मथुरा में प्रवेश कर जाता है, तो शरीर रूपी गोकुल की जो 14 स्थान है उन पर अविद्या आक्रमण कर जाती है। लेकिन कभी भी अविद्या भगवान के सामने टिक नहीं पाती, नष्ट हो जाती है, अविद्या का विनाश हो जाता है। कि दैवी सामने कभी अंधेरा रोकता है क्या? एक बार अंधेरा रोकता रोकता राम जी के पास गया था, बोलो ना प्रेम से जय श्री कृष्ण। ठंडी लग रही पर जोर से क्यों नहीं बोल रहे जय श्री कृष्ण? अंधेरा रोकता रोकता भगवान के पास गया, राम जी बोले क्या हुआ? अंधेरा बोला मैं बहुत परेशान हूं, सूरत मेरे पीछे पड़ गया, जहां भी मैं जाता हूं वहीं सूरत पहुंच जाता है, मुझे खत्म कर देता है। और आप तो सूर्यवंशी हैं, सूरत मिले तो कहना क्यों मेरे पीछे पड़ा? हाँ, जहां मैं अंधेरा ठीक ठाक रहता हूं वहीं सूरज आ जाता है, मुझे खत्म कर देता। क्या बिगाड़ा मेरे सूरज का? राम जी बोले तुम बिल्कुल टेंशन मत करो, और देखो कल रविवार है, और रविवार को हमारे सूर्य नारायण आते हैं मेरे पास, और कल उनका दिन है, मैं बात करूंगा। और सुनो मैं थोड़ा, हाँ तुम टेंशन नहीं करना, मैं थोड़ा डांट के भी बोलूंगा। सूर्य नारायण आए दिन के बारे में, राजा प्रणाम, बहुत बिगड़ते जा रहे हैं, क्या हुआ? देखो किसी कमजोर को सहन ठीक नहीं है। अब आपकी शिकायत आने लग गई है, क्या किया मैंने? अंधेरा आया था परसों, बहुत हो रहा था, अंधेरा मेरे से बोला कि सूरज मेरे पीछे पड़ गया और मेरे को रहने नहीं देता, मुझे खत्म कर देता, मुझे नष्ट कर देता, ठीक नहीं है। जियो और जीने दो, समझे? सबको जीने का अधिकार है। सूरज बोले मैंने तो कुछ किया नहीं है सर,
क्योंकि तो यानी तो क्या झूठे तुम्हारी निंदा कर रहा था, झूठे शिकायत कर रहा था मेरे से। और मेरे को तो लगता है झूठे ही बोला उन्होंने। अच्छा ऐसा करिए, आप कल अंधेरे को भी बुला लीजिए, मैं भी आ जाऊंगा, हम दोनों आ जाते हैं और हम दोनों की मीटिंग अपने सामने कर लीजिए। आपके सामने पूछूंगा मैं अंधेरे से, मैंने तुम्हें कब मारा, मैंने तुम्हें कब तकलीफ दी, फिर सामने निर्णय हो जाएगा। जो आप दंड देंगे मैं दंड स्वीकार कर लूंगा। कल तो हम विजी हैं, परसों का रख लेते हैं, परसों आ जाए ठीक 12 बजे, आप भी आओ, अंधेरे को बुला लूंगा, दोनों के सामने मेरे सामने अपनी अपनी बात रखना। 70 लाख वर्ष बीत गए पर आज तक राम जी सूरज की और अंधेरे की मीटिंग नहीं करा पाए। बोलो जय श्री कृष्ण। हो ही नहीं सकता, बताओ अंधेरे की और सूरज की ऐसी मीटिंग कभी हो सकती है क्या? क्योंकि जहां सूरज है वहां अंधेरा हो ही नहीं सकता, अंधेरे को खत्म होना ही पड़ेगा। सूरज की रोशनी के सामने अंधेरा लगता है क्या? ऐसे ही जो अविद्या है, जो अज्ञान है, वो परमात्मा पर ब्रह्म के सामने कभी टिकता है क्या? तो अविद्या रूपी अज्ञान रूपी जो पूतना है भगवान के सामने आते ही उसका विनाश हो जाता है, यही पूतना अवतार की कथा है। राम अवतार में जो तालिका थी वो भी अविद्या का रूप थी, और कृष्ण अवतार में जो पूतना है वो भी अविद्या का रूप है। ये परिस्थिति है, ये शंकर के आनंद मेरा पूतना का उद्धार हुआ। भगवान शंकर जो है ना, बोले बाबा वो कैलाश पर बैठे थे समाधि में और उनके ध्यान भगवान शंकर जो है बड़े मन में प्रसन्न हो गए, अरे मुझे भगवान का दर्शन करना है, दर्शन करने के लिए आए। अरे खोल दे तरफ देख ले झलका झल, भगवान शंकर पूरा यूनिफॉर्म पहन करके आ रहे, गरम गरम चिता की भस्म लगाई, शरीर में भस्म लगाई, श्रृंगार हो रहा है। एक सैनिक ने आकर उनकी जटाओं को ऐसे करके और काले नाग से बांध दिया, एक सैनिक ने झाड़ फूल कर चंद्रमा को मुकुट बना दिया, चंद्रमोनीश्वर। बाबा तो नंगे ही बैठे थे, एक ने आकर मृगचर को उड़ा दी, चरणों में छोटे छोटे नाग बांधे, मृगचर के ऊपर बड़े बड़े नागों से उसको संभाला, यहां छोटा नाग यहां बड़े नाग, मुंडों की माला गले में धारण कराई, बीच में घोड़ा बछाड़ सांप, उसके बीच में महाराज अजगर सांप, और कानों में वो काले काले बिच्छू होते हैं, पहाड़ी बिच्छुओं के कुंडल बनाए। और नई टेक्नोलॉजी ने हमारी बहनें जो भारत में कुंडल पहनती हैं तो यहाँ एक लर और लगाती हैं, तो कातर होती है ना, कातर समझते हैं, जिसमें सैकड़ों पैर होते हैं, पीली पीली सी होती है, होती है, और वो चिपक जाए तो छोड़ती नहीं है पीले रंग की, वो कातर यहां लगाई जा रही है। भगवान का दर्शन करने जाए, मैया ने तो नाक में दम कर दिया, बाबा को दर्शन नहीं होने दिए, मंडो की माला चिता की भस्म, मेरा छोटा बेटा दर्शन नहीं कराऊंगी। भगवान शंकर अपने विनय करके थक के लौट गए, लेकिन कन्हैया जब रोने लगे तो फिर माताओं का पुराण शुरू हुआ। एक वृद्धा माता खड़ी होकर बोली, कोई आया था क्या घर में? भैया बोली, हाँ एक नागों वाला बाबा आया था, मुंड की माला थी गले में, क्या कह रहा था? कह रहा था आपके बेटे का दर्शन करना है, आपके बेटे को गोद में खिलाना है, मैंने तो मना कर दिया। बस वो बाबा ही कुछ जादू कर गया, जब तक वो बाबा यहाँ आएगा नहीं तेरा बेटा रोता ही रहेगा। देखो भैया बोली, अरे दौड़ के जाओ, अभी महाराज बाहर नहीं गए होंगे, ज्यादा दूर बुला के लाओ, मैं दर्शन कराऊंगी। शिव जी को सूचना मिली, गोपियों ने कहा आप जल्दी चलो, बाबा लाला को नजर लगी है, आपसे राही नोन कराएगी माँ यशोदा। शिव जी बोले, टाइम नहीं है। लेकिन जब ये कहा आपको दर्शन मिलेगा,
बाबा ने त्रिशूल उठाया और तांडव नृत्य करके जा रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
के शिव ने दर्शन किया। देखो कृष्ण कहते हैं शिव मेरा मालिक है, और शिव जी कहते हैं कृष्ण मेरा मालिक है। अंदर की कौन जाने, सेवक स्वामी सखा सिए पिए के। रामायण में तो लिखा है कि शिव जी के राम कृष्ण के साथ में तीन संबंध है। पहला संबंध यह है कि शिव जी राम कृष्ण के सेवक हैं। दूसरा संबंध यह है कि शिव जी राम कृष्ण के स्वामी हैं। और तीसरा संबंध यह है कि शिव जी राम कृष्ण के सखा हैं। सेवक स्वामी सखा शिव पिय के। भगवान शंकर आनंदित हो गए, और सबसे ज्यादा आनंद कृष्ण को मिला। सवई पुंसां परो धर्मो यतो भक्ति रतोक्षये अहि तुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। मानव के जीवन का सबसे बड़ा कल्याण का मार्ग है गोविंद के चरणों में प्रीति का होना, और कोई कल्याण मार्ग नहीं है। और अहि तुक्य प्रतिहता यात्मा संप्रसीदति। भगवान के चरणों में प्रेम तो करो, पर उसका कोई हेतु नहीं होना चाहिए, किसी कारण से भक्ति नहीं, किसी डर से भक्ति नहीं, किसी कामना से भक्ति नहीं। भक्ति तो निष्काम होनी चाहिए। पर मैं आपको बड़े स्पष्ट शब्दों में बताऊं तो किसी डर से की जाने वाली भक्ति या किसी कामना से की जाने वाली भक्ति दोनों ही उत्तम क्वालिटी की नहीं है। भक्ति तो निष्काम हो। और मां यशोदा, ब्रज की गोपियां, इन ब्रजवासियों की जो कृष्ण चरणों में भक्ति है वो निष्काम है, कोई कामना नहीं। गोपियां कहती हैं, एक बार भगवान के सिर में दर्द हुआ, देखो नाटक हुआ बड़ा अच्छा। भगवान जब सुबह उठते थे द्वारिका में तो कहते थे, हे श्री राधे, हे श्री ललिते, सखियों का नाम लेते, राधा रानी का नाम लेते। रानी ने मन में सोचा कि हम दिनरात सेवा करती हैं, हमारा नाम दो है। हे रुक्मणी, हे सबकी भामा, तो कभी कहा नहीं सवेरे, और ब्रज की ग्वालिनी कुमारनी उनका नाम लेते। कृष्ण ने मन में सोचा, इनको बताऊंगा सही ब्रजवासियों का, गोपियों का भाव क्या है। अब नाटक करने में तो नंबर एक है वो, हाँ। और इनके नाटक में कोई नया मोड़ आना होता है तो नारद जी जरूर आ जाते हैं वहां, क्योंकि नारद नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, नारद नाम का कोई संत नहीं है, भगवान के मन का नाम ही नारद है। बोलो जय श्री कृष्ण। जहां कोई विशेष लीला करनी हो तो तुरंत नारद जी आते। नारद मीन्स गोविंद का मन, वही शाखा रूप में आता है। भगवान सूर्य उठे, नारद जी आते। भगवान है, देखा खिड़की में से तो भगवान पेट पर, ओहो बड़ा दर्द है, सिर में दर्द, पेट में दर्द। रुक्मिणी घबराई, नानियां सब आई, नागिन बोले क्या हुआ क्या हुआ। भगवान को नारद बड़ा बड़ा अब तो बचूंगा ही नहीं, क्या क्या बोल रहे, भगवान नाटक कर रहे। नारद जी बोले, भगवान आप क्या कह रहे हैं, आपके पेट में दर्द, सिर में दर्द, और भाई बताइए, मैं अभी व्यक्ति बुला के लाता हूँ, डॉक्टर लेके आता हूँ, एक से बड़े बड़े राज वैद्य आ जाएंगे, अभी लाता हूँ। नहीं नहीं, दवाई तो मेरे घर में ही है, और कोई देगा कि नहीं मालूम नहीं। नारद जी बोले, दवाई है,
नारद जी आए, भगवान बोले मिली दवाई? नहीं मिली। रानियां खिड़कियों में से, भगवान ने कहा जाओ ब्रज में और ब्रज गोपियों से कहना शायद मिल जाए। नारद जी हरिगुण गाते बिना बजाते पहुंचे ब्रज में, तो गोपियां गांव से बाहर कुएं पर पानी खींच रहे थे। हमारे भारत में आज भी कई स्थान पर माताएं बहने गांव से बाहर, क्योंकि गांव में इतना शुद्ध जल नहीं होता, खेत में ज्यादा अच्छा होता है, तो वहां से घरों में जल भर के लाती हैं। और वो जल स्वास्थ्य के लिए जितना बढ़िया होता है, ये मिनरल फिल्टर पाकर फाटर बेकार है। बोलो जैसे जल भर रही थी, नारद जी को देखा, अरे अरे नारद जी आ गए, ये जरूर द्वारिका गए होंगे, हमारे भगवान की, मेरे गोपाल जी की कोई समाचार सुनाएंगे। तो सब गोपियों नारद जी को पकड़ लिया, आप तो सब जगह जाते रहते हैं, द्वारिका गए थे क्या? हमारे गोपाल जी कैसे? कन्हैया ठीक है ना? नारद जी मुंह लटक कर खड़े हो, गोपी बोली क्या बातें बताते क्यों नहीं, अरे कुछ तो बताइए। नारद जी बोले हालात बहुत गंभीर है। क्या हुआ? पेट में दर्द है भगवान के, सिर में भी दर्द है देवी। अरे कोई औषधि नहीं मिली? पर औषधि ले ली तो यहां आया हूं, जल्दी बताओ क्या औषधि है। बोले आप सब गोपियां अपने चरणों की धूल दे दें, और चरणों की धूल ही भगवान लगाएंगे, माथे से सिर दर्द खत्म हो जाएगा। और आप सब गोपी अपने चरणों को धोकर के चरणामृत दे दें, उसको पिएंगे तो पेट दर्द दूर होगा, ऐसा प्रभु ने कहा है। गोपी आगे बात करना, नारद जी जो ओढ़े थे चदरा, वो चदरा छुड़ा लिया, और गोपियों ने चदरा छुड़ा करके जमीन में बिछा दिया, और अपने पैरों में खूब धूल लगा के, पैरों में खूब रगड़ लगा लगा के, और चदरे के ऊपर झाड़ दिया, 5-7 किलो धूली बांधी पोटली ले जा। और जब जब सिर में दर्द हो ये लगा देना, जरूर समझे, कमंडल खाए ना। नारद जी के हाथ से कमंडल छुड़ाया, सब गोपियों ने अपने पैरों को धो धो करके और चरणामृत कमंडल में भर दिया, ले जाए। अब आप जल्दी पहुंचो द्वारिका और पिला देना, पेट दर्द दूर हो जाएगा। नारद जी से देख रहे गोपियां बोली क्या हुआ? आप जानते हो कृष्ण कौन है? आपको मालूम है गोविंद कौन है? अरे भगवान को अपना चरणामृत देना, भगवान को अपनी चरण धूली देना, कितना बड़ा पाप है, नरक में जाना पड़ेगा, आप इतना जानते नहीं। गोपियों ने कहा सुनो नारद, यदि हमारे चरणों की धूली को गोविंद के माथे से लगाने से उनका सिर दर्द दूर होता है, और हमारे चरणामृत को पीने से उनका पेट दर्द दूर होता है, और उसके बदले हमें करोड़ों वर्ष तक नरक में जाना पड़े, तो नरक में जाना हमें मंजूर है, पर गोविंद की तकलीफ सहना मंजूर नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। हमारे गोपाल जी का कष्ट हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, उसके बदले हम नरक में जाए तो चली जाएंगे। इसको कहते हैं निष्काम भक्ति। नारद जी ने आकर कहा कृष्ण पत्नियों का सिर लज्जा से झुक गया, किसी कामना से भक्ति नहीं, किसी डर से भक्ति नहीं, भक्ति निष्काम होनी चाहिए। कई बार हम भगवान से एग्रीमेंट करते हैं, हे भोले बाबा मेरे घर पोता हो जाए तो तुम्हें सोने का छत्र चढ़ाऊंगी, तो नहीं होगा तो नहीं चढ़ाऊंगी। ये एग्रीमेंट क्यों? भक्ति में कोई आग्रह नहीं होना चाहिए। मंदिर हम केवल इसलिए नहीं जाएं कि हमारा एक काम बन जाए, मंदिर इसलिए जाएं कि मंदिर जाना हमारा धर्म है। बोया पेड़ बबूल का आम कहां से हो? कर्म किया है हमने खराब तो फल अच्छा नहीं मिल सकता। बीज बोया है बबूल का तो हाथों से हम कैसे मिलेंगे? निष्कामता, ये सबसे बड़ी चीज है कि अब बल तब बल और बल तब
तपबल तपबल और बाहुबल चौथो है बलदान सूर किशोर कृपा से सब विधि हरे को हरिना सुनेरी मैंने निर्मल के बलदान प्रभु को निष्काम भाव से भजो तो परिस्थिति बनेगी ही नहीं। ब्रजवासियों के मन में कोई आग्रह नहीं है, भगवान से कुछ चाहना नहीं है और भगवान से कुछ मांगना ही नहीं है। भगवान से मत मांगो, मांगना है तो भगवान को मांगो। ब्रजवासियों ने स्वर्ग अपवर्ग प्रथा लेखक करेंगे कहा, जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी हैं, हमें स्वर्ग नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए, धन वैभव नहीं चाहिए, हमें तो गोविंद चाहिए, हमें तो कृष्ण चाहिए। किस अभिमान जाहि जन भोरे वो ध्यान देना। सुदृष्ण जी महाराज जो हैं राम जी से कहते हैं मेरे मन से अभिमान कभी निकले ही नहीं। राम जी बोले अभिमान, पर अभिमान मेरे दिल में बना रहे। आखिर अभिमान भी तो किसी चीज के लिए बना है, मैं सुंदर हूं, मैं धनवान हूं, ईश्वरो हम अहम भोगी चित्तो हम बलवान सुखी, ये अहंकार ठीक नहीं। जब अभिमान ठीक ही नहीं है तो अभिमान बना क्यों। बोले अस अभिमान जाहि जन भोरे मैं सेवक रघुपति पति भोरे। अभिमान करना है तो ये करो कि मैं प्रभु का दास हूं, प्रभु मेरे मालिक हैं। दासो हम कौशलेन्द्रस्य रामस्य कृष्ण कर्मणः कि अहम ही नारायण दास दास दासान दासस्य च दास दास त्वं भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्ये इमां स्मर लोकनाथ। दास बनना है, बाकी सब कुछ तो ऑटोमेटिक प्राप्त होगा। और हमारी परिस्थिति ऐसी बन गई कि हम भगवान को छोड़कर सब कुछ मांगते हैं भगवान से, इसलिए पसंद जाते हैं। ब्रजवासियों के मन में कोई कामना नहीं है, कोई आकांक्षा नहीं है, अभिलाषा नहीं है, इसलिए परब्रह्म परमात्मा जगदीश्वर उनके हाथ की कठपुतली बनाए। न चांतर न बहिर्यस्य न चांतर न बहिर्यस्य न पूर्वं न पिचापरं पूर्वापरं बहिष्यांतर जगतो यो जगत्यय तम्मत्वा परमव्यक्तं मर्त्यलिंगमरोक्षणं गोपिको दुःखे नाम्ना बवंदन प्राकृतम यथा। जिसके आदि का पता नहीं, जिसके अंत का पता नहीं, उसको मां यशोदा अपना आत्मज मानती है, अपना पुत्र मानती है। और ऐसा वात्सल्य, यशोदा का मतलब क्या है, यशोदा दीदी यशोदा, जो परमात्मा की लीलाओं में यश प्रदान करे वो यशोदा। कन्हैया बड़े हो गए पर अभी नामकरण तो हुआ ही नहीं, बोलो प्रेम से जय श्री कृष्ण। एक वर्ष के होने जा रहे हैं, अभी इनका कोई नाम ही नहीं है, जबकि नियम है एक महीने के अंदर नामकरण होना चाहिए। अब कैसे कर। बसुदेव जी ने सोचा नंद यशोदा को इतने भक्त हैं कि गोविंद को खिलाने में मस्त हैं, नामकरण कराना ही भूल गए। भक्ति में कुछ भी नहीं होता है, भक्ति में सब काम उल्टा उल्टा हो जाता है।
इसलिए वसुदेव जी ने अपने घर के जो कुल आचार्य हैं पुरोहित हैं गर्गाचार्य को भेजा। नंद जी के घर मेरे दो पुत्र हैं, अभी दोनों का नामकरण नहीं हुआ, और महाराज जी आप पधारिए, ये ध्यान रखना नंद को ये पता नहीं चले कि छोटा बड़ा भी मेरा बेटा है, नहीं कहीं प्रेम कम न हो जाए। गर्गाचार्य जी महाराज आए, नंद बाबा ने बड़ा सत्कार किया, अरे आप पधारे कहां से? गर्गाचार्य जी बोली मथुरा से आए हैं, कहीं नामकरण करना, कहीं शादी पढ़ाना, ये कहीं उपनयन करना, अपना यही काम है। बोले आपने अच्छी याद दिवाई महाराज, मेरे घर में भी दो दो लाला है, अभी काऊ को नामकरण नायक है। आपके श्रीमुख से नामकरण हो जाए, वैसे हमारे कुल के आचार्य हैं जो आजकल तीर्थ यात्रा पर गए हैं, आप ही नामकरण करें। गर्गाचार्य ने कहा कि यदूनाम हमाचार्य ख्यातस्य भोग सर्वस सुतम मया संस्कृतम ते मन्यते देवकी सुतम। मैं आपके पुत्रों का नामकरण नहीं कर सकता क्योंकि मैं वसुदेव जी के घर का आचार्य हूं, और कंस के मन में एक भ्रम बैठा हुआ है कि देवक्याम अष्टमो गर्भो न स्त्री भक्तमर्हसि, देवकी का आत्मा गर्भ स्त्री नहीं हो सकता, और मैं आपके बच्चे का नामकरण करूं तो सोचेगा कि वसुदेव के घर के पंडित जी ने नंद के बेटे का नामकरण किया, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि नंद के घर जो बेटा है वो वसुदेव का ही हो। यदि आप चाहते हैं कि मैं आपके पुत्र का नामकरण करूं तो गौशाला के बंद कक्ष में बिना किसी को निमंत्रण दिए आप कराएं तो मैं कर दूंगा। नंद जी बोले हाँ महाराज जी, यशोदा मैया से कहा, एक बार तो मैया ने कहा इकलौता बेटा है मेरा, बुढ़ापे में दर्शन किया है मैंने, मेरे बेटे का नामकरण कराऊंगी तो 6 महीने पहले तो निमंत्रण पत्र बटना शुरू हो जाएगा, पर एक बात बताओ पंडित जी का नाम क्या है? बोले उनका नाम है गर्गाचार्य जी महाराज, बड़े उच्च कोटि के संत हैं। मैया ने कहा गर्गाचार्य का नाम मैंने सुना नहीं, ये सच्चे ज्योतिषी है कि खड़िया पड़ता है, इसकी परीक्षा कैसे लें? प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, तेरा बाप से बोल दिया करो जय श्री कृष्ण। तो माता यशोदा ने रोहिणी से कहा, और रोहिणी से बोली ये सच्चा ज्योतिषी है कि कच्चा है, इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। देखो प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। माता यशोदा कहती हैं मैं गोरी हूं और आपका बेटा जो है वो गोरा है, तो आपके बेटे को ले लूं मैं अपनी गोद में, और रोहिणी आप थोड़ी सांवली हैं और मेरा बेटा भी सांवला है, उसको ले लो आप अपनी गोद में। अगर आप उधरी करके दोनों जाकर के बैठेंगी, यदि उन्होंने सही से ही बताया कि कौन का बेटा कौन की गोद में है तब तो समझेंगी सच्चा ज्योतिषी है, नहीं तो ऐसी खलिया पलटन बोलती पूछ। परीक्षा लेने का तरीका, किसी को सूचना नहीं थी क्योंकि भीड़ में राक्षस आ जाते हैं, पूतना आ गई, सक्का सुन आ गया, तनावत आ गया। मां यशोदा रोहिणी दोनों बच्चों को बदल करके बैठी हैं। तो वैरागी ने बड़ा भाव जगाया, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। मां यशोदा रोहिणी दोनों बैठी हैं, गर्गाचार्य महाराज और नंद बाबा हैं। गर्गाचार्य ने पहले हवन किया, उसके बाद में सत्यनारायण जी की कथा सुनाई। अब तक तो नीचे निकल करके कर रहे थे काम, जैसे ही कहा हमारा जी अब नामकरण करिए, और गर्गाचार्य ने अपनी नजरें उठा करके देखा तो माता रोहिणी की गोद में जो कृष्ण बैठे हैं उनको देखते देखते गर्गाचार्य की समाधि लग गई। वेदांतों में थे यही तो ब्रह्म है,
यही तो जगदीश्वर है, यही तो परमात्मा है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति सत्यते। और देखते देखते गंगाचार्य की समाधि, देखो समाधि होती है पांच प्रकार की। एक होती है सहज समाधि, साधो सहज समाधि भले। कवि जी कह रहे कि साधो सहज समाधि भले। ये सहज समाधि, आप झाड़ू लगा रहे समाधि लगी है, आप भोजन बना रहे समाधि से हैं, काम सब हो रहा है लेकिन ध्यान भगवान में लगा है, यह है सहज समाधि। कर से कर्म करहु विधि नाना, मन राखहु जहां कृपा निधान। शरीर से हम सारे कर्म कर रहे हैं लेकिन मन का कनेक्शन परमात्मा से जुड़ा है, यह सहज समाधि है। एक होती है भाव समाधि। भाव समाधि क्या है? हम भोजन बना रहे हैं और मन में भाव क्या आ रहा है कि भगवान को भोग लगाएंगे, बढ़िया पकौड़ी बने, बढ़िया कढ़ी बने, हलवा अच्छा बने, गोपाल जी का भोग लगना है। तो यो दोहने बहाने मथनों बने पर जीवन का जो भी कार्य हम करते हैं भगवान के समर्पण भाव से किया जाए, वो होती है भाव समाधि। एक होती है ध्यान समाधि। ध्यान समाधि यह है आंखें बंद है, मुंह बंद है, सांस चल रहे, श्वास श्वास में भगवान नाम स्मरण हो रहा है, भगवान के ध्यान में निमग्न है, ये ध्यान समाधि है। लेकिन सबसे खतरनाक होती है त्राटक समाधि। त्राटक समाधि में मुंह खुला रह जाता है, आंखें खुली रह जाती है, सांस बंद हो जाते हैं। देखते 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 कृष्ण को महात्मा गर्गाचार्य जी की त्राटक समाधि लग गई। ऐसे मुंह खुला है, आंखें खुली है, पलक गिर रही है और श्वास बंद। ये बहुत खतरनाक सबसे ऊंची समाधि है। दोनों माताएं बाबा की ओर देख रही हैं, बोले नामकरण करना था इनको, क्या हो गया? दोनों माताओं ने बाबा की आंखों के पास देखा, चुटकी बजाई, पलक गिरती नहीं, मुंह के पास ऐसे हाथ घुमाया, सांस है ही नहीं। मैया बोली कहां है? रोहिणी बोली भगवान जाने का है, अब आप तो बाबा चौकों भरो बैठे हो, जन का है। अगर किसी की आंखें खुली रह जाए, मुंह खुला रह जाए, श्वास बंद हो जाए तो आप क्या समझेंगे? जो आप समझेंगे वही मां ने समझ लिए। मैया बोली काम हो या महात्मा जी है? रोहिणी बोली मोए तो ऐसा लगे महाराज जी पधार ले ली थे। माता यशोदा घबरा गई, अरे महाराज पधारना था तो बाहर जाकर पधारते, मेरे घर में आके क्यों पधारे? पधारने का मतलब तो यही होता है। अब दोनों माताओं ने बड़ी शक्ति से बाबा के दोनों हाथ पकड़े और जोर से झकझोर दिया, अरे पधार गए क्या? कौन कौन की समाधि टूटी? कहना चाहते बोले क्या हुआ माता? भैया बोली हाँ आप ठीक है ना? अरे हमें क्या हुआ था माँ, हम तो एकदम ठीक है। अरे महाराज आपका मुंह खुला रह गया, सांस बंद हो गई, आंखें खुली रह गई, पलक भी गिरते नहीं, हमने समझा पता नहीं क्या क्या समझ लिया। गर्गाचार्य ने सोचा कब तक छुपाऊंगा, क्लियर बोल देता हूँ, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। गर्गाचार्य बोले बताओ माता मुझे क्या हुआ था? मैया बोली बताओ। बोले रोहिणी की गोद में जो बालक बैठा है ये साक्षात भैया कहना चाहते थे रोहिणी के गोद में जो बालक बैठा है वो साक्षात पूर्ण ब्रह्म भगवान है और इनको देखने से मेरी समाधि लग गई थी,
लेकिन जैसी गंगा चादरी ने कहा रोहिणी के गोद में जो बालक बैठा है वो साक्षात गोद में बैठे हुए कृष्ण ने उंगली हिलाई और पट्टी खोलेगा क्या? यहाँ बेटा बनने में फायदा है, भगवान बनने में नहीं। भगवान मन में सोच रहे हैं, मैया मुझे बेटा मानती है, अपना पुत्र मानती है, परना झुलाती है, मेरे को लोरी सुनाती है, आजकल गोद में खो खिलाती है, दूध पिलाती है, अभी तो मैं थोड़ा 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 माखन भी शुरू कर दिया है, कभी कभी जीभ से लगा देती है मैया। बेटा मानती है तो कितना सुख, कैसा आनंद देती है, पर कहीं तुमने कह दिया कि भगवान, भगवान की पूजा कैसे होती है ये तो आप सब लोग जानते हैं। बेचारे भगवान को अलमारी में बिठा देते, 50 ग्राम चिनिया बदाम सुबह, 50 ग्राम शाम को, ये दो गर्भवती सुबह दो शाम को घुमा दी। पार्टी में जाना हो आधा गिलास दूध धर दिया, मिश्री की इतनी डली रखती बहू, आज तो हम सब लोग पार्टी में जा रहे हैं, अकेले भगवान के लिए क्या चूना जला, भगवान जी आप दूध पी के काम चलाना, हम मालपुआ खाने जा रहे हैं। इसलिए तो कह रहे थे भगवान से संबंध जोड़ो, तुम ही निवेदित भोजन कर ही प्रभु ही समर्पित कर्म भव कर ही। भगवान को बिना भोग लगाए कुछ भी खाना रहा है और घर में वही भोग लगना चाहिए जो भोग के लिए जरूरी है, वही चीज रसोई में बननी चाहिए जो भगवान का भोग लग सकती है, जो भगवान का भोग नहीं लग सकती वो चीज रसोई में आना भी बनाए। आज से 16 वर्ष पहले जब मैं पहली बार न्यूयॉर्क में आया था कथा करने, पहले तो हम लोग आते ही नहीं थे, हमको 42 साल हो गए कथा करते करते, तो ऐसे हम बैठा था कि अरे मांस की भुक्ति नहीं होती है, उसी स्टोर पे मांस मिलता है, उसी पे सब्जी मिलती है, सब हाथ पाथ ऐसे कर लेते हैं, तो आते ही नहीं थे हम। जब न्यूयॉर्क वालों ने कहा कि महाराज आपकी कथा करानी है, मैंने कहा भैया हमारा मन नहीं करता आने का, तो वो मेरे से क्या बोले, ठाकुर जी आप 15 दिन के लिए हैं, आइए हम 15 दिन आपको शुद्ध गंगा जल पिलाएंगे, रोज हम गंगा जल मंगा सकते हैं पारस से क्रेन में भर के, कई फ्लाइट आते हैं, पर आप आइए और आप देखेंगे यहां कितनी हर चीज प्योर, हर चीज शुद्ध। हमने कहा स्वच्छता नहीं पवित्रता चाहिए, स्वच्छता तो हाथ साबुन लगाने से हो जाती है, लेकिन पवित्रता तो मिट्टी से हाथ धोने से ही होगी। बोलो जय श्री कृष्ण। स्वच्छता में पवित्रता में अंतर, पवित्रता तो यह कि हमने रसोई में खो पोंछा लगाए एकदम चमाचम हो रहा है, यह स्वच्छता है, लेकिन पवित्रता यह है कि रसोई में अंदर कुछ खाना नहीं चाहिए, पूरी रसोई झूठी हो जाती है। कई जगह तो पकौड़ी, एक जगह हम गए तो पकौड़ी बना नहीं थी मां, क्या कि भोग लगेगा बढ़ाना है, तो पकौड़ी बनाते बनाते वो अरे मैं कहीं क्या कर रही है आप, बोली मैं चक्कर देख रही थी नमक मिर्ची सब ठीक है कि नहीं। अरे माता बूढ़ी हो गई तुमको इतना इतना मालूम नहीं है नमक कितना डालना चाहिए, सब रसोई झूठी होगी अब भोग नहीं लगेगा। ये है पवित्रता, पवित्रता और स्वच्छता में अंतर है। भगवान को भोग लगाए कुछ खाना नहीं और वही चीज घर में आया जो भगवान का भोग लग सकती है, तो मैं वहां मंदिर में आया कथा करने, बड़ा अच्छे लोग, बड़े सीधे बड़े सज्जन लोग, तो देखा बढ़िया सब्जी बनी, प्याज लहसुन सब पड़ा है, लगा के भोग तो थाली ले आए मेरे पास, पर मैं कृष्ण प्याज अरे मुझे प्याज भोग नहीं लगता है, लहसुन भोग नहीं लगता है, प्याज खाने से पाप नहीं लगता, प्याज नॉन वेज नहीं है, लहसुन खाने से पाप नहीं लगता, पर प्याज लहसुन छोड़ दो तो पुण्य ज्यादा जरूर होता है,
क्योंकि तामसी भोजन में आ जाता है, उसमें गंध है जो भोग में भर देता है। अब औषधि के रूप में कभी लेना पड़े तो बात अलग, प्रयास करो नहीं खाना। तो तुमने भगवान बना दिया तो फिर तो इच्छा नहीं भोग लगेगा। तो देखो कितनी जल्दी गल्ला जाने कहा, आपकी गोद में जो बालक बैठा है वो साक्षात भगवान ने उंगली हिलाई और बोले गुणों का खजाना है। तुम्हारी गोद में जो बालक बैठा है वो साक्षात गुणों का खजाना है। उसकी मस्तिष्क रेखा देख रहा था माता, और मस्तिष्क रेखा देखने में जरा भी आंख गिर जाए पलक तो पकड़ में नहीं आती है। मैया बोली थे गौर बोलो जय श्री कृष्ण। बच गए आप कन्हैया बोले हम बच गए, नहीं बाबा सब पोल पट्टी खोल देता। नामकरण किया भगवान का, इनका कृष्ण नाम उनका बलराम नाम, बड़े प्रसन्न हुए और माँ ने उनको द्रव्यादि समर्पित किया। नंद बाबा यमुना स्नान करके आए। अब कृष्ण बलराम थोड़ा घुटमन चलते हैं, बलराम तो बोलते भी हैं। बाबा शालिग्राम की पूजा कर रहे थे पूजा घर में, कृष्ण भी घुटमन 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 घुट सबसे बड़े जय जय तो हम हैं, यहां से बड़ा जय जय दूसरा कौन सा है। अब बच्चों को मना करने तो नहीं जाएंगे, पूजा घर के द्वार पर कृष्ण ऐसे बैठे बाबा शालिग्राम जी की पूजा करते हैं। शालिग्राम को यमुना जल से स्नान कराया, फिर उनको चंदन लगाया, अच्छा फिर शालिग्राम को पंचामृत नलाया। पंचामृत तो आप सब जानते हैं, पहले दूध से नलाया, फिर जल से नलाया, दूध से नलाया, घी से नलाया, चीनी से शर्करा से नलाया, और फिर लास्ट में शहद से नलाने लगे। और जैसे सारगम समझते हैं ना आप लोग, वो गोल गोल होते हैं गुलाब जामुन की साइज के। अब जब जब शहद से नलाने लगे तो कृष्ण की जीभ में पानी आ गया। ये जैसे बहुत अच्छा है, रोज पंचामृत से नहाता है, खूब मीठा हो रहा है। बाबा ने पूजा करके तुलसी चढ़ा दी, आंख बंद करके माला जप रहे। अच्छा माला जपते समय यदि आप टावल और डाल दें मुंह पे तो भजन में मन ज्यादा लगता है। आंख बंद करके भजन करो, एक हल्का सा टावल और मुंह पे डाल दें एकांत में, तो एकाग्रता थोड़ी बढ़ती है। बाबा ने टावल डाल दिया माला जप रहे, इतने से कृष्ण ने देखा बोले बाबा की तो आंख बंद है। और ये जय जय जो है रोज नहाता है शहद में घी में दूध दही में। फिर बाबा को देखा और घुटमन घुटमन घुस गए पूजा घर में, और शालिग्राम जी के सिंहासन से शालिग्राम उठा के कप से मुंह में धर लिए, फुटबॉल जैसा मुंह खोल गया था यंत्र, और बाबा नंद की बगल में ही आके कृष्ण बैठ गए। बोलो ना जय श्री कृष्ण। 15-20 मिनट में बाबा की माला पूरी हुई। बाबा ने माला रखी और जय हो मेरे सर। शालिग्राम तो है नहीं, बाबा ने फूल हटाया ये हटाया देखा शालिग्राम है नहीं, कहां गए। किधर देखा तो हम दूसरे भगत जी बैठे। लाला तू पूजा घर में आयो कैसे, बोलू अरे बेटा तू बिना स्नान किए पूजा घर में। बाबा ने देखा फूला फूला क्या है तेरे मुंह में, कहा बोलू अरे बेटा तेरे मुंह में जो बाबा ने जोर से गुलचा मारा, गुलचा समझते ऐसे जो गुलचा मारो सारे हम कब से बाहर आ गए। हे भगवान इतना उद्यमी मेरे भगवान को खा गया। शालिग्राम ये रखे उठा करके ले गई नंदरानी से, बोले देवी अभी बोलना आता नहीं है, देखो क्या किया इन्होंने, पूजा घर में घुस गया मेरे भगवान उठा के खा गया। ये तो अच्छा हुआ अंदर नहीं पढ़ा रहे, नहीं तो और मुश्किल हो जाती।
मैया ने दौड़कर गोविंद को गोदी में लिया और नंदी जी से बोली, तो इतने नाराज क्यों हो रहे हो, छोटा बच्चा है, इसने गुलाब जामुन समझी होगी इसे मुंह में रख लिया। अरे देवी समझाना चाहिए, आप थोड़े बड़े हो गए। पंडित जी बुलाए, बोले महाराज बड़ी गलती हो गई, बच्चा ने मुंह में ले लिया, आप प्रायश्चित पूजा कराओ। फिर प्रायश्चित पूजा हुई, पंचामृत अभिषेक हुआ, माँ ने गोद में ले जाकर कृष्ण को आंगन में उतारा और बोली, लाला तेरे भगवान मुंह में धर दिए, काल को धरे, बोलना तो आता नहीं था, आज कृष्ण पहली बार बोल गए। मैया वो कहना ये चाहते थे, मैया ये रोज शहद में नाते हैं तो मीठे हो गए होंगे, इसलिए मैंने रख लिए। बोले महाराज, जैसे ही कृष्ण बोले मैया, अरे लाला भूल गया, कृष्ण बोला, क्या बोला, क्या मैया। अब तो नंद रानी दौड़ कर पूजा घर में गई, अरे सुनो, नंद जी बोले क्या हुआ, आज कन्हैया बोल गया, आज पहली बार मेरा गोविंद बोला है। फिर नंद बाबा दौड़े दौड़े आए, उन्होंने गोद में उठाया तो उनकी दाढ़ी पकड़ करके बोले, बाबा बलराम जी महाराज घुटमन घुटमन चलते आए और बलराम ने कृष्ण को गले लगाया तो उनकी ठोड़ी में हाथ लगा के बोले, भैया कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मैया मैया, पितानंद सौ पावर बाबा, पितानंद सौ
प्रसन्न कौन कर सुनेंगे। खो आपके हृदय रूपी गोकुल में पर ब्रह्म गोविंद ऐसे ही नृत्य करते रहे, ऐसे ही आनंद प्रदान करते रहे, यही कामना। तो पहली सीधी प्यारो राधा रानी को नाम, दूसरी है रसना और तीसरी संस्कृत में भक्ति पथ। तीनों यहां उपलब्ध हैं, आप उसको ग्रहण करें, स्वीकार करें और श्रवण करें, फिर मुझे बताएं कैसी लगी। बोलो जय श्री कृष्ण। आज मंगलवार है, कार्यक्रम हनुमान चालीसा आदि का यहाँ संपन्न होगा, उसके बाद आरती आदि होंगी। बोले बाल कृष्ण
जागर जी के चरण Thank you.
Oh, no, no.